हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 रिजल्ट कट ऑफ एंड ऑल रिप्लाई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। तो दोस्तों, मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं दे पाता, इसलिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो ही लेकर आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम हर एक चीज को जानें, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा क्या बेल आइकन घंटी के निशान, दोस्तों उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, इससे होगा दोस्तों आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या जो आप लोगों के डाउट्स आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ क्या है। यहाँ पे प्रियंका जी बोलती हैं, सर आगे की तैयारी के लिए हेल्प करिए। तो दोस्तों, आप लोगों की आगे की तैयारी के लिए हेल्प बिल्कुल अवश्य करेंगे, जो कुछ मेरे से पॉसिबल हो सकेगा मैं सारे प्रकार की हेल्प आप लोगों के लिए करने के लिए तत्पर रहता हूँ। यहाँ पे क्या है, शैलेंद्र कुमार जी बोलते हैं, जी क्या बोलते हैं, शैलेंद्र तोमर, सर जी एमपी वर्ग 3 की क्लास स्टार्ट कराएंगे क्या प्लीज, अगर पॉसिबल हो सके तो जल्दी स्टार्ट कराना प्लीज। तो शैलेंद्र जी, आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी बहुत लंबे टाइम से, लेकिन मेरे पास टाइम खुद नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, लास्ट ईयर में अभी तक जो एमपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमपी टेट, सी टेट और यूपी टेट, इसके लिए मैंने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के करीबन 2500 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन मेरे को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने उसको स्टॉप कर दी है। यदि आप लोग कंटिन्यू का बोलेंगे तो मैं उसको भी करूंगा, हालांकि उसके 4 पार्ट पहले ही डाल दिए गए हैं, आप लोग उनको वॉच कर सकते हैं और जल्द से जल्द मैं उनको कंप्लीट करा दूंगा, है ना। और आपको पर्यावरण और हिंदी की क्लास में लाने वाला हूँ, जिसमें पर्यावरण आपका एमपी टेट को कवर करेगा, आपका सीआईएसएफ ट्रेड्समैन को कवर करेगा, क्योंकि सीआईएसएफ में भी हिंदी पूछी जानी है, और आपके एमपीएसआई को कवर करेगा, वो मैं कल से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, कल से ही। तो आप क्लास देखना बिल्कुल मत भूलना, मैं उसका टाइम भी डिसाइड कर दूंगा कितने टाइम आप लोगों की क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एकता जैन जी क्या पूछती है, 2020 कब होगा, समझा नहीं। अच्छा, एमपीपीएससी का 2020 का कब होगा, तो इसका भी जल्दी मार्च या अप्रैल के समथिंग आप लोगों को अभी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, आप लोगों का 2020 का एग्जाम बोल रहे हैं ना आप एमपीपीएससी का। जी नेक्स्ट क्या है, श्यापा खान जी क्या बोलते हैं, सर मेंस की तैयारी करवाएंगे आप। तो मेंस की मैं तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन हाँ फैकल्टी रख सकता हूँ, यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं कि अपने चैनल पे होनी चाहिए मेंस की, तो हाँ मैं बिल्कुल फैकल्टी अवश्य रखूंगा। मैंने बात भी की है टीचर से, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो सब कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इसी प्रकार से जैसे डिफेंस हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भूपेंद्र क्या राजपूत जी कमेंट करते हैं, क्या करते हैं, 68 यूआर या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि इनके 68 मार्क्स आए हैं और इन्होंने पूछा है सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। तो भूपेंद्र जी आप निश्चिंत हो जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है, आज ही लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, आपके 68 मार्क्स हैं, गुड मार्क्स हैं, आपका सिलेक्शन 100% डन है आपकी ईआर कैटेगरी से। नेक्स्ट क्या है, आनंद सिंह जी क्या बोलते हैं, सर आप 2020 के लिए कब क्लास लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला है, हमारा बेस्ट तैयार हो जाएगा तो मैं बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा। देन इसके बाद क्या है, आई हैव सेंड सर्टेन स्क्रीन शॉट इन कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड बाय यू, प्लीज रेक्टिफाई इट। ओके, नेक्स्ट क्या है, थैंक्स सर जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट कमेंट क्या है, अंबा प्रसाद द्विवेदी जी क्या बोलते हैं, सर प्लीज बताइए रिजल्ट कब तक आएगा। जी दुबे जी, आज मैं इसी बात को लेकर यह वीडियो लेके आया हूँ कि आखिरकार आपका रिजल्ट कब आ सकता है, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा फर्जी वीडियो डाल रहे हैं कि इस समय आप लोगों का रिजल्ट आउट है, रिजल्ट आउट ही हो गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिरकार आपका रिजल्ट आउट कब हो जाएगा, वो तारीख कौन सी है, समय कौन सा है, आप बने रहिएगा इस वीडियो में। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आकाश स्काई जी बोलते हैं, सर हिंडोला महल और मांडू दोनों धार में है, एक क्वेश्चन में भी उसने ऑप्शन ए सही दिया है जो कि गलत है।
तो आकाश जी आपको मैं बता दूं, शायद आप पेपर सेकंड की जो आंसर की जारी की गई है उससे मैच कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो आंसर की मेरे पास है उसमें तो सही दे रहा है, करेक्ट दे रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। आप शायद सेकंड आंसर की से मैच कर रहे हो इसलिए आपका गलत आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का कुछ और किसी का कुछ एक जैसा रहेगा। यदि उसने गलत माना है तो सभी के में गलत आना चाहिए था, ऐसा मेरी आंसर की में नहीं है। तो आप शायद आप धोखे में हैं, आप देख लेना एक बार और ट्राई करना। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न इतने सही होने चाहिए, एक नंबर इतने आने चाहिए। तो मैंने जो आप लोगों को आंसर्स बताए हैं वो तो दोस्तों घटेंगे ही घटेंगे। आपका समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है जी, शायद आप उसी के बारे में पूछ रहे हो। आकाश जी बोलते हैं प्रश्न इतने सही होने चाहिए, एक नंबर इतने आने चाहिए। तो सॉरी मेरे को समझ में नहीं आया आप क्या बोला। यहाँ पे क्या है, गेटिंग 66 एंड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके नाइस, वेरी गुड, और आपके सिलेक्शन के चांस भी बिल्कुल 99% है, जय जी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट कमेंट है राहुल साखिया जी, क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे मैन मैन पॉइंट कमेंट ले रहा हूँ, सॉरी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ हो जाएगी फिर बहुत ज्यादा, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे हम। क्या है, 62 एसी सर हो जाएगा, तो एसी से 62 बिल्कुल 100% डन है राहुल जी आपका सिलेक्शन। यहाँ पे जी चलिए छोड़ते हैं यहाँ पे, ओके क्या बोला है गजट में, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है, EWS में कैसे मार्किंग होगी सर, प्लीज रिप्लाई करिए, उसके कितने नंबर होने चाहिए कि उसमें फिर उससे EWS रिजर्वेशन मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मीनाक्षी जी बोलते हैं, मीनाक्षी जी पांडे, मीनाक्षी जी आपको बता दूं, यदि आपके OBC के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं और आप EWS से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन डन है। कहने का मतलब यदि आपका 63 से लेकर 66 के बीच मार्क्स है तो आप नो टेंशन रहिए, आपका सिलेक्शन 100% डन है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट दोस्तों, हम एक दो कमेंट और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है OBC फीमेल 62 में होगा, आपका OBC और फीमेल है 62, बिल्कुल चांस है आपके, 90% चांस है। नेक्स्ट है शिवांक जी, क्या बोलते हैं सर, हर उम्मीदवार को अलग अलग आपत्ति दर्ज करना होगा क्या? तो बिल्कुल, ऑप्शन ही इसलिए दिया जाता है, हर उम्मीदवार को अपने अपने प्रश्न के अनुसार आपत्ति दर्ज करना होगा। यदि वहां पे ऐसा पाया जाता है कि हाँ आपकी आपत्ति में कोई प्रश्न अलग किया जाता है तो सभी उम्मीदवारों को उसका लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कोई बोर्ड की तरफ से आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो कि गलत है, तो वो फिर सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक दो कमेंट और देखते हैं डियर फ्रेंड्स, देन इसके बाद मैं आपको एग्जाम की डेट बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से शिवाजी बोलते हैं, मानी का खेल चल रहा है आयोग में जी, हमको बिल्कुल नहीं पता दोस्तों, चल भी रहा हो शायद, अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते, और ना भी चल रहा हो कुछ नहीं कह सकते, है ना। दीपक जी क्या बोलते हैं सर, वर्ग 3 की क्लास कब से शुरू होगी? हाँ दीपक जी, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, जल्द ही हम आपको वर्ग 3 की क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं, बट आप लोग सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्या है, सुनील कुशवाहा जी, यहाँ पर 65 OBC कैटेगरी, ओके आपका डन है, समझिए आपका सिलेक्शन डन है, अभी लिख लीजिए, आपको आरक्षण भी मिलना है OBC 29% एंड यहाँ पे आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। नेक्स्ट क्या है, देवेश तिवारी जी बोलते हैं, मेंस की तैयारी करवाइए सर प्लीज। ओके मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट कराने वाला हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, हम इतने ही कमेंट्स रहने देते हैं, क्योंकि कमेंट्स से बहुत ज्यादा, यदि मैं कमेंट्स का रिप्लाई ही देता रहा डियर फ्रेंड्स तो मेरे को करीबन 1 घंटे लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, जेई एक्ट एक्ट के बारे में आप लोगों के डाउट है, कोई गोट बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, ओके तो चलिए अब हम देख लेते हैं डेट। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार हमारा रिजल्ट कब आएगा, MPPSC प्रीलिम्स 2020। जी हाँ दोस्तों, 2020, आप क्या बोलते हैं हम बता दें दोस्तों आपको, यहाँ पर हम परसेंट के बेस पर बताने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन जारी, नोटिस जारी नहीं हुआ साइट पे कि हाँ आपका इस तारीख को रिजल्ट आने वाला है, जिससे कि हम आपको 100% बता दें हाँ आपका तारीख डिसाइड होगी, आपका रिजल्ट इस तारीख को देखने को मिल जाएगा। बट एक अनुमान के मुताबिक, नॉलेज के बेस पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपका जो जनवरी है लास्ट है, जी हाँ दोस्तों वो जाने ही वाला है, अब कुछ ही दिन से ऐसे, आज 23 तारीख हो गई, 7 दिन से समझिए, है ना। तो आपके यहाँ पर अभी चांस बना है दोस्तों 50% के समथिंग, जी हाँ दोस्तों जनवरी के लास्ट 30 तारीख तक 50% चांस है कि आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए, वरना आपके 99% चांस है कि आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों,
अब यहाँ पे 100% क्यों नहीं बोला जी दोस्तों, इसका रीजन है क्योंकि ऑफिशियल रूप से कोई नोटिफिकेशन या नोटिस जारी नहीं हुआ कि आपका रिजल्ट इस तारीख को आना ठीक से। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आपको फरवरी के सेकेंड वीक में बिल्कुल पूरी पूरी संभावना है कि आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ओके डियर फ्रेंड्स, यही सब बोलना चाहूंगा। यदि आई हो वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।